अब जाओ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी आया हूँ, मेरा युवा किसान है जयसिंह जी, जो भगवानपुरा पंचायत में गांव पड़ता है मोतीसर और अजमेर जिले में पुष्कर तहसील का। तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ खेती के बारे में, भिंडी और करेले की खेती मिक्स में कैसे करें ताकि किसान की इनकम बढ़ सके, और प्लस एक है लौकी कैसे वो आगे बताऊंगा, लौकी के बारे में आगे बताऊंगा। तो भिंडी और करेला तो वो कितनी डिस्टेंस पे लगाना चाहे आप बता सकते हो या मैं बताऊंगा? आप ही बता दो। मैं ही बताऊँ। तो ये है हमारा युवा किसान जयसिंह जी, इनका फार्म है। तो इन्होंने 3 बीघे के अंदर भिंडी और करेला मिक्स में लगा रखा है, ये पूरा 3 बीघे का खेत है। और ये अब मैं बताता हूँ आपको, ये है करेला, पास में लेके आ जाओगे। जैसे जैसे ये भिंडी की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, ऊपर ऊपर जाएगी, वैसे वैसे ये करेला ऐसे जैसे इसको पकड़ रखा है, ये देख पत्ते को, और इनकी सहायता से ऊपर चला जाएगा। तो करेला भी फ्रेश आएगा जैसे ऊपर लगेगा ना, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब ये अभी तो 18 दिन का करेला ही हुआ, 18 दिन का करेला और भिंडी दोनों साथ में लगाई हुई है, तो 18 दिन का हुआ, तो 18 दिन में करेले की इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, और फर्स्ट इंटरकल्चर क्रिया हुआ, जिसको हम मारवाड़ी की भाषा में बोलते हैं ननान करना। तो एक पहला ही ननान हुआ ना इसमें, तो फर्स्ट इंटरकल्चर वो हुई, प्रोसेस हुई। तो अब भिंडी तो सिर्फ है ना 4-4 एंगल की या 4 इंच की दूरी पे है, और करेला है 3 फुट लंबाई, क्योंकि करेले की बेल चलती है, और तो वो इतना फैल जाएगा, भिंडियों के ऊपर चढ़ भी जाएगा और फैल भी जाएगा। तो दूसरी चीज और इनके साथ लगाने के फायदे बता देता हूँ, पहले मैं बीज बता देता हूँ फिर बाद में। तो नूनेम्स कंपनी का करेला तो लगाया US 6214, और भिंडी भी नूनेम्स कंपनी की है सम्राट। भिंडी का बीज 2 काम में लिया है, एक सिवास और सम्राट है, ये देख लो, ये नूनेम्स कंपनी का बीज है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है, और भिंडी भी 1 नंबर आएगी। आगे की वीडियो में जब भिंडी लगना स्टार्ट होगी तब मैं आपको वीडियो और बना के शेयर करूंगा किसान भाइयों। तो करेले की दूरी है 3 फिट लंबाई, ये जो दूरी है 3 से 4, 3.5 या समथिंग ये दूरी है, ये देखो, ये यहाँ पे करेला, फिर ये करेला। तो करेला जैसे जैसे भिंडी ऊंची बढ़ेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे करेले की भी बढ़ेगी, और करेला भिंडी पे चढ़ के लगता रहेगा, और वो लटकता हुआ लटेगा ना तो क्वालिटी भी बिल्कुल फ्रेश आएगी, और अगर नीचे लगता तो रेत भी मिट्टी भी लग जाती, उससे क्वालिटी बिगड़ जाती है। एक साइड की क्वालिटी अच्छी रहती है और एक तरफ यानी ग्रीननेस नहीं होता, क्योंकि वो नीचे मिट्टी लग जाती, तो ये प्रॉब्लम आती। तो और एक और मैं तरीका बता देता हूँ किसान भाइयों, जैसे अपने 4 या 4 चौकोर खेत होता है और ये तारबंदी की हुई होती, तो वहाँ पर अपन लौकी लगा सकते हैं ताकि अपनी इनकम भी बढ़ जावे। ये लौकी भी नूनेम्स कंपनी का अनोखी लगाई हुई है, तो ये भी अभी 18 ये बाद में लगाई है, ये 2-3 दिन यानी 15 दिन की हुई है समथिंग, ये 2-3 दिन बाद में या 15 दिन की हुई है। तो ये लौकी, तो इससे ये अभी तक ये भिंडी के बीज से आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, ग्रीननेस बिल्कुल अच्छी है। और अब फायदा बताता हूँ किसान भाइयों, इंसेक्ट पेस्ट भी सेम होता है, जैसे व्हाइट मच्छर भी इसमें भी होता है, भिंडी में भी होता है, हरा तेला भी ये इसमें भिंडी में भी होता है और करेले में भी होता है, और थ्रिप्स भी करेले में भी होता है, भिंडी में भी होता है, तो सेम दवाई काम कर जाती है, और नेमेटोड भिंडी में भी होता है और करेले में भी होता है। तो अपन मिक्स में खेती का लाभ जैसे मिल भी जाता है, जैसे करेला अभी जा रहा है 70 रुपये किलो, और भिंडी का भी अभी बाजार है 70 या 80 रुपये किलो के समथिंग है हमारे अजमेर और पुष्कर मंडी में। तो दवाइयाँ सेम, जैसे व्हाइट फ्लाई की दवाई भी या सेम इंसेक्ट पेस्ट या सेम स्प्रे में, जैसे अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग स्प्रे करना नहीं पड़ता, सेम स्प्रे में काम हो जाता है, तो बीमारी भी इक्वल आती है और रोग नियंत्रण भी एक साथ हो जाता है, और इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल भी एक साथ हो जाता है, और विल्ट जमीन से संबंधित बीमारियों का भी कंट्रोल एक साथ हो जाता है। तो ये बहुत ही शानदार फायदा है ये भिंडी और करेला साथ लगाने में। तो आप भी किसान भाइयों, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए जैसे हमारे जयसिंह जी युवा किसान ने किया, साइडों में चारों तरफ ये लौकी लगा दी है और करेला और भिंडी साथ में लगा दिया, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। तो अब इन
हमारे किसान भाई का अनुभव जान लेते हैं। आपको मैंने अभी तक आपकी 18 दिन की फसल हुई है, तो अभी तक आपको जैसे अभी थ्रिप्स और लटका यानी सूट और फ्रूट बोरर का अटैक का, तो उसमें आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया, तो उससे कितना संतुष्ट हो? हाँ, फर्स्ट बार में आया था थोड़े लट और मच्छर की प्रॉब्लम आई थी, और आपने स्प्रे दिया तो वो किया टाइम पे। हाँ, और अभी अभी लट और मच्छर देखने को मिल रहे तो नहीं मिल रही। तो किसान भाइयों ये देख लो, इनके ये पहले पत्ते खा गए थे, ये पत्तों में छेद हो गया, तो इसका मतलब इसमें लट का अटैक था। तो लट पे इनको बहुत उपचार बताया, और ये उनसे कितना परसेंट संतुष्ट हो आप? अभी तो 90% है। 90% संतुष्ट हो, क्यों 100% होना चाहिए आपको? 10% अभी ये जब ये अलग से पूरा सेब पत्ता आएगा ना तब होंगे। वाह, सेब अगले यानी स्प्रे में आपको सेब आ जाएगा। अब नए जो पत्ते आएंगे ना जैसे वो बिल्कुल सेब रहेंगे, लेकिन आपको सचेत भाई कौन सा इंसेक्ट पेस्ट हो रहा वो आपको भी सचेत रहना, और जो किसान भाई भिंडी और करेले की खेती कर रहा है आपको भी सचेत रहना। तो आप भी यानी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूंगा, और जो रिप्लाई करेगा उनको ही मैं मोबाइल नंबर दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करो और लाइक जरूर करो देना किसान भाइयों। अगर आपको मैंने इतनी आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाया तो लाइक जरूर करना, तो बहुत बहुत और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो वीडियो का लिंक अधिक से अधिक किसान भाइयों का शेयर करो। जो भी आपके रिश्तेदार कोई खेती जैसे किसान परिवार होता है तो उनकी रिश्तेदारी भी किसान परिवार में ही होती है, तो अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करो, और अपने जो जिगरी दोस्त है उनके भी आपको आप जयसिंह भाई साहब आप भी 10 किसान भाइयों को शेयर करना। बिल्कुल, ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना।